अगर ये दोनों चीजें आपस में छूती हैं, तो उस दौरान आपके अंदर कई पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा, आपको बस अपने पांवों को एक साथ रखकर और उकड़ू बैठना होगा। मैं हर समय इस तरह नहीं बैठता, सिर्फ तब जब मैं बोलता हूं। मैं कैसे बैठा हूं अगर मुझे समझाना हो तो इसके कई पहलू हैं। एक सरल पहलू है कि बाईं एड़ी पर एक स्थान होता है जिसे आजकल मेडिकल साइंस अकीलीज कहता है। आप अपने अकीलीज को वहां रखते हैं जिसे आपके शरीर में मूलाधार या गुदा द्वार कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपस में छूती हैं, तो उस दौरान आपके अंदर कई पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। कई पहलुओं का मतलब है कि आपके विचार स्पष्ट हैं, आपकी भावनाएं स्पष्ट हैं, और इस बात का बहुत स्पष्ट बोध है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपने सुना है कि अकीलीज मारा गया था क्योंकि उसकी एड़ी में एक तीर लगा था। आप नहीं मानते कि अगर कोई आपकी एड़ी को चोट पहुंचाए तो आप मर जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अकीलीज उसी तरह मरा। तो शरीर में एक सिस्टम, एक ऊर्जा प्रणाली होती है। अगर अकीलीज का वो स्थान आपके मूलाधार को छूता है जब आप इस तरह बैठते हैं, तो एक संतुलन आता है जिससे आप किसी का पक्ष नहीं लेते। देखिए, हम सभी के पास अपनी राय, सोच, विचारधारा, चीजें, जीवन का अपना अनुभव होता है। जीवन के आपके अपने अनुभव और जो छाप आपके मन पर पड़ी है, वो उस हर चीज पर असर डालती है जो आप देखते हैं। आप इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, आप इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप इस व्यक्ति से नफरत करते हैं। ये सब इसीलिए है क्योंकि आप लगातार अपनी राय बना रहे हैं। लेकिन अगर आप वाकई जीवन को जानना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप कोई राय न रखें। आप हर चीज को नए सिरे से देखने के लिए तैयार हैं। अपने जीवन के हर पल में, एकदम नए रूप में, अपने जीवन के हर पल में। लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। जो लोग मेरे साथ 30-35 साल से हैं, हर दिन वो मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, फिर भी उनके बारे में मेरी कोई राय नहीं है। जब मुझे कोई काम करना होता है, सिर्फ तभी मैं उनकी योग्यता और बाकी चीजों पर गौर करता हूँ। लेकिन किसी के बारे में मेरी कोई राय नहीं है जो इतने लंबे समय से मेरे आसपास है। अब तक आपने अपनी राय बना ली होगी, लेकिन मैंने नहीं। क्योंकि यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का सार है कि हम लगातार हर जीवन को एक संभावना के रूप में देखते हैं। देखिए, रीढ़ केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है, इसके द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं। यह गहरा संचार नेटवर्क है। अगर आप इसे खो देते हैं या अगर यह असंवेदनशील हो जाती है, तो आप नहीं जानते आप क्या खो रहे हैं। आप कुछ ऐसा खो रहे हैं जो अद्भुत है। तो यह सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिस्टम में होने वाले संचार का आधार है, है ना? मेरुदंड यानी रीढ़ अकेली वस्तु नहीं है, ये कई चीजों का जटिल मेल है। हर रोज इसे तानना जरूरी है। अगर ये खुद में घुस जाए तो रीढ़ की संचार क्षमता आमतौर पर खो जाती है। तो ये योग नमस्कार रीढ़ के कमर के इलाके को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर देता है। ये रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रीढ़ को ताकतवर बनाता है, ताकि उम्र बढ़ने पर रीढ़ के झुकने से जो नसों में दर्द होता है, उससे बचा जा सकता है। और अगर पहले से ही नुकसान हो चुका है, तो आपकी रीढ़ को फिर से नया करने का सबसे अच्छा तरीका योग नमस्कार होगा। इसके फायदे पूरे शरीर में होते हैं। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा, आपको बस अपने पांवों को एक साथ रखकर और उकड़ू बैठना होगा। तो उकड़ू बैठना सबसे अच्छा है अगर आप अपने पंजों को एक साथ रखकर बैठ सकते हैं। आप में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर सकते, फिलहाल बहुत कम लोग कर पाएंगे। हम बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहते हैं। तो अगली सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने पैरों को कंधों की सीध में रखें, उतनी ही दूरी पर जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है। आप 21 बार कर सकते हैं। 21 करने के लिए एक अच्छी संख्या है। अगर आप उतना नहीं कर सकते,
तो 7 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे। हर 2 दिनों पर अगर आप 1 बढ़ाते हैं तो लगभग 40 दिनों में आप 21 पर पहुंच जाएंगे, जो एक अच्छी संख्या है। आप देखेंगे कि इससे आपकी काम करने की क्षमता में एक जबरदस्त अंतर आएगा। अगर आपकी बुद्धिमानी आपकी बुद्धि की तीव्रता को मापने का कोई तरीका हो तो आप अंतर आता हुआ देख पाएंगे, सिर्फ इसलिए कि आप ऋण को आराम देने और उसे सक्रिय करने के लिए कुछ आसान सी चीजें कर रहे हैं।